Hello everyone, my name is Swati, your English educator for Magnet Brains, and today in this video, we are going to continue a chapter quality. We have read the entire chapter already. Now we are going to do with the question answers, right? N C E R T solutions is what we are going to do. So, and where is my pen? Where is my pen? Here is my pen. Yes, and I got it. So let's start. Answer the following questions. अच्छा वी हैव रेड देंट टाइर चैप्टर ओके एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन द वीडियो यू डो नॉट हैव एनी डाउट्स इफ़ यू हैव डाउट्स यू हैव टू फ्लैगेट टू मी फ्लैगेट टू मी का मतलब क्या होता है यू हैव टू टेलेट टू मी एंड नाउ वेन वी डू दीज क्वेश्चन विल गेट टू नो कि हमको कितना आता है सो वी विल गेट टू नो कि हमने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था और अगर क्वेश्चन में डाउट है इसका मतलब वी हैव टू लिसन टू द चैप्टर वनस अगेन ओके सो लेट्स बिगिन वॉट वॉज दस ओपिनियन अबाउट गैसलर एज अ बोट मेकर जो हमारा जो ऑथर थे उनका ओपिनियन क्या था उनके हिसाब से जो मिस्टर गैसलर थे वो किस तरीके के बूटमेकर थे कैन यू टेल मी किस तरीके से बूट मेकर थे बहुत ही आलसी थे बहुत ही ऐही थे नहीं ही वॉज वेरी ऑनेस्ट ही वॉज वेरी लॉयल ही वॉज इंडस्ट्रियस ही वॉज रिलीजियस रिलीजियस का मतलब क्या होता है ये नहीं होता रिलीजियस से रिलेटेड नहीं होता रिलीजियस का मतलब वो बहुत ही डेडिकेटेडली अपना काम करते थे सो लेट्स सी कि ये आंसर हमें कैसे फ्रेम करना है द द ऑथर विद वर्क ऑफ मिस्टर गेस्लर एज अ बूटमेकर ये हमारी फर्स्ट पॉइंट है ओके दैट ही वॉज हाईली इम्प्रेस्ड ठीक है द ऑथर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विथ मिस्टर विद द वर्क ऑफ मिस्टर गेस्लर एज अ बूट मेकर द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलव यूज टू हैव एन एक्सेप्शनल फिट अब ये जो बूट्स जो बनाते थे वो किन कैसे होते थे उनकी जो फिट होती थी वो बहुत अमेजिंग होती थी एक्सेप्शनल होती थी दे वो मेड ओनली ऑन ऑर्डर्स एंड हैड द बेस्ट मटीरियल सो वो सिर्फ जो शूज बनाते थे वो सिर्फ ऑर्डर पर बनाते थे और उनका मटीरियल बहुत अमेजिंग होता था ओनली सो मेड ओनली ऑन ऑर्डर्स और बेस्ट मटीरियल ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट दे लास्टिड टू लॉन्ग एंड लास्ट क्या है दैट दे लास्टेड टू लॉन्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका मतलब कि वो बहुत चलते थे वो बहुत जल्दी खराब नहीं होते थे सो दिस वॉज वॉट हमारे ऑथर यूज टू थिंक अबाउट द गैसलर बूथ्स ओके सो लेट्स री रीड दिस आंसर एंड अंडरस्टैंड ऑथर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड विद द वर्क ऑफ मिस्टर गैसलर एज अ बूथ मेकर सेकेंड पॉइंट द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसला यूज टू हैव एन एक्सेप्शनल फिट थर्ड पॉइंट दे व मेड ओनली ऑन ऑर्डर्स एंड हैड द बेस्ट मटीरियल एंड फोर्थ पॉइंट दे लास्टेड टू लॉन्ग सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट बहुत इम्प्रेस थे अमेजिंग फिट थी थर्ड बेस्ट मटेरियल यूज करते थे और ऑर्डर पर ही बनाते थे एंड लास्ट उनकी फ़िट बहुत अमेजिंग थी ये फोर पॉइंट्स लेख के आना है आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू डू इट लेट्स मूव फॉरवर्ड Why did the author visit the shop so infrequently? मतलब जो हमारे जो ऑथर थे वो मिस्टर गेस्लर की शॉप पे इतना कम क्यों जाते थे क्यों जाते थे वो इतना कम क्योंकि वो बिजी थे नहीं तो इसीलिए वो कम जाते थे बिकॉज उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी उनके जो शूज थे द यूज टू लास्ट सो लॉन्ग वो इतना चलते थे कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी हाउ वुड वी फ्रेम दिस आंसर द ऑथर visited the shop so infrequently because यहाँ तक तो हमारा हो गया question से the boots made by Mr. Gesler lasted too long बस यही तीन line लिख तीन words लिखने हैं कि they lasted too long because अब if you want to suppose यही answer अगर आपका uh, let's say थ्री marks का आ गया so it, please ये दो line लिख के मत आना in that case what would you write that because they lasted too long why बिकॉज ऑफ देयर अमेजिंग क्वालिटी ओके बेस्ट मटीरियल एंड प्रॉपर स्टिचिंग सो यू है देवर हैंडमेड एंड देवर मेड विद द बेस्ट ऑफ द लेदर्स एंड बेस्ट ऑफ द मटीरियल एंड देवर अमेज एंड देख फिट इतना पूरा लिख के आना बिकॉज थ्री मार्क्स का है वना आधे मार्क्स में लेंगे और आधे मिक्स मार्क्स में तो अपन खुश हो नहीं सकते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है What was the effect on Mr. ऑन of the author's remark about a certain pair of boots? You remember हमारे जो ऑथर थे उन्होंने एक बार बताया था कि वो जो आपने जो last pair of shoes दिए थे ना वो थोड़ी आवाज करे थे they creaked। जब ये सुना था तो मिस्टर का reaction क्या था क्या था उनका reaction? बड़े खुश हो गए थे अरे वाह वाह वा, वा, दूसरा ले लो, ऐसा तो नहीं हुआ था तो क्या उनका reaction था on hearing the author's remark about a certain pair of boots, ये पूरा हमने लिया है हमारे क्वेश्चन से ठीक है तो ये फर्स्ट लाइन तो क्वेश्चन की हो गई मिस्टर गेस्लर लुकड एट ऑथर फॉर अ वाइल्ड सबसे पहले उन्होंने क्या था क्या किया था थोड़ी देर तक वो जो हमारे ऑथर थे उनकी तरफ देखने लग गए थे एज इफ एक्सपेक्टिंग हिम टू टेक बैक हिज वर्ड As if he was expecting कि वो अपने किया था और अभी ठीक है नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था या मैं तो मजाक कर रहा था अपने शब्द वापस ले लें देन ही सेट दैट मे बी दैट गॉड वेट फिर सेकेंड चीज उन्होंने क्या बोली थी हो सकता है आपने उन्हें गीला कर दिया होगा ही टोल्ड द टू ब्रिंग द बूट्स बैक टू हिम उन्होंने क्या बोला कि आप वो शूज वापस ला दो सो दैट ही विल इधर रिपेयर और एडजस्ट द प्राइज ऑफ बूट इन द बिल्स तो या तो वो रिपेयर कर देंगे और या तो वो जो बूट की जो प्राइस है ही विल एडजस्टेड इन द बिल्स सो दिस इज वर्ट मिस्टर गैसलर सेक्टेड ठीक है सो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा कि उन्होंने ही लुक्ड एज इफ ही इज एक्सपेक्टिंग कि वो अपने वर्ड्स वापस ले ले जब नहीं हुआ तो उन्होंने क्या बोला कि मे बी जो शूज हैं वो आपने वेट कर दिए होंगे एंड देन वॉट डिड ही से आप लेके आ जाओ ब्रिंग द बूट्स बैक एंड देन या तो वो रिपेयर कर देंगे या तो वो जो पैसे हैं वो बिल में एडजस्ट कर देंगे मतलब वो आपको उसके पैसे चार्ज नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वॉज मिस्टर गेस्लर्स कंप्लेन अगेंस्ट बिग फर्म्स सो मिस्टर गेस्लर जो थे रिमेंबर वन डे ही स्टार्टेड वेंटिंग आउट कि उनको क्या प्रॉब्लम है ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से बड़े बड़े जो शॉप्स होते हैं बड़ी फॉर्म्स होते हैं उनसे उन्हें क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम थी कि दैट दे डोंट टेक केयर ऑफ द क्वालिटी दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड उन वो लोग सिर्फ बस बना देते हैं एंड ऑल दे डू इज़ दे एडवर्टाइज और उनकी वजह से आज इनके पास काम ही नहीं है और एवरी ईयर वो और कम होता जा रहा है दिस इज ऑल ही सेट सो नाउ लेट्स सी हाउ वी हैव टू फ्रेम दिस आंसर मिस्टर गैसलर कंप्लेन दैट द बिग फर्म्स व मेकिंग मनी थ्रू अट्रैक्टिंग कस्टमर्स बाय एडवर्टाइजमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ही सेट दैट ये लोग कैसे पैसा कमा रहे थे देवर मेकिंग मनी थ्रू अट्रैक्टिंग कस्टमर्स बाय एडवर्टाजमेंट्स एडवर्टीजमेंट्स की वजह से ये हम हम जो कस्टमर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं दे वर नॉट अर्निंग बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वर्क उनके पास क्वालिटी अच्छी थी इसलिए वो अर्न नहीं कर रहे थे बट बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग सो वो क्वालिटी की वजह से अर्न नहीं कर रहे थे वो मार्केटिंग मतलब एडवर्टाइजिंग की वजह से अर्न कर रहे थे एंड बिकॉज ऑफ देम स्मॉल शॉप्स हैड टू सफ़र लॉस ऑफ कस्टमर्स और उनकी वजह से क्या होता था जो इनकी जैसी जो स्मॉल शॉप्स हैं जो उन उनके जैसे और भी ओनर्स थे उनको लॉस ऑफ कस्टमर्स सफर करना पड़ता था मतलब उनकी वजह से इनके जो कस्टमर्स थे वो जा रहे थे वो देवर शिफ्टिंग टू द बिग फॉर्म्स ओके नाओ डू यू वॉन्ट टू सी दिस आंसर वंस अगेन सो मिस्टर गेस्लर कंप्लेन जो बिग फर्म्स थे दे वर मेकिंग मनी पहला पॉइंट क्या हो गया दे वर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स कैसे एडवर्टीजमेंट से वो क्वालिटी के कारण नहीं अर्न कर रहे थे वो मार्केटिंग के कारण अर्न कर रहे थे और इन सब से क्या हो रहा था जो स्मॉल शॉप्स थे दे हैड टू सफर लॉस ऑफ कस्टमर्स दिस इज आर लास्ट लाइन ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस मूव फॉरवर्ड वाई डिड द ऑथर ऑर्डर सो मेनी पेयर्स ऑफ बूथ्स डिड ही रियली नीड दैम अब ऑथर ने जब ये बात ये सारी बातें सुनी थी तो ही स्टार्टेड फीलिंग सिंपेथेटिक उनको एम्पेथी फील होने लग गई थी जिसकी वजह से ही ऑर्डर द लॉर्ड ऑफ पेयर्स बट क्या उनको उन सब पेयर्स की जरूरत थी सो लेट सी हाउ वी हैव टू फ्रेम दिस आंसर नो द ऑथर डिड नॉट रियली नीड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूथ्स He ordered so many of them because he wanted to help the bootmaker financially. So सो पहली लाइन में हमने क्या बोला कि नहीं एक्चुअली में उसको इतने सारे शूज़ की ज़रूरत नहीं थी और सेकेंड पॉइंट में हम ये कह रहे हैं that उन्होंने ऑर्डर इसलिए किए सो दैट he can help the बूट financially. फाइनेंशियली फाइनेंशियली का मतलब क्या होता है मोनिटरली पैसों से So he would want to क्योंकि वो जितने ऑर्डर देंगे उतना उनको पैसा मिलेगा तो ही वॉन्टेड टू हेल्प द फॉलोइंग फ्रेजिस एंड देर मीनिंग्स यूज अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट देंटेंट फॉलो सो हियर वी हैव बीन गिवेन अ लॉट ऑफ फ्रेजेस नाउ द वर्ड इज लुक लेकिन फ्रेज क्या होते हैं जैसे कि आपने किसी वर्ब के साथ जब कोई आप प्रपोजिशन ऐड कर देते हो तो इट बिकम्स अ फ्रेज सो जैसे यहाँ पे है लुक लुक का मतलब क्या होता है देखना बट लुक आफ्टर फॉर एग्जाम्पल आई विल लुक आफ्टर योर बेबी मतलब आई विल टेक केयर ऑफ योर बेबी लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है टू टेक केयर ऑफ लुक डाउन ऑन लुक डाउन ऑन मतलब जैसे कि सपोज यू सेड यू आज मॉम That uh, I would want to go out for picnic and mom looked down on that which may which means she disapproved. आप जब किसी चीज़ को अग्री नहीं करते किसी को अप्रूव नहीं करते तो उसको बोलते हैं शी लुक डाउन ऑन इट सो लुक डाउन ऑन मतलब डिसअप्रूव और रिगार्ड इट एज जैसे Uh, जो मिस्टर गैसलत थे जब उन्होंने शूज़ देखे एक दिन होता है ना जब हमारे जो ऑथर है वो किसी दूसरे कंपनी के शूज़ पहन के आ जाते हैं सो ही लुक डाउन ऑन दोज शूज़ व्हाट डज दिस मीन दिस मीन्स डेट ही थाट दैट दे वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी एंड ही डिड नॉट अप्रूव इट नाउ नेक्स्ट वन इज लुक इन लुक इन ऑन समन मतलब जैसे कि आई लुक इन और आई लुक ऑन टू यू मतलब कि मैं एक छोटी सी विजिट कर लूँगा मतलब मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा एक छोटी सी विजिट लुक इन टू नाउ दया राइट सी आई डी एंड ऑल्सो आई विल लुक इन टू द मैटर मतलब मैं इसको इन्वेस्टिगेट करूंगा ओके लुक आउट लुक आउट देर इज अ वेल मतलब सपोज यू आर वॉकिंग एंड यू आर नॉट लुकिंग डाउन और देर इज अ बिग डिच बहुत बड़ा गड्ढा है सो वट डू वी से बी केयरफुल और एल्स वी कैन से आउट मतलब बी केयरफुल लुक अप मतलब होता है इम्प्रूव यू शुड लुक अप फॉर इट मतलब अपनी हैंडराइटिंग अबाउट योर हैंड राइटिंग आई थिंक यू शुड लुक अप फॉर योर हैंड राइटिंग मतलब अपनी हैंड राइटिंग यू हैव टू इम्प्रूव लुक अप टू सो इसका मतलब होता है एडमायर करना फॉर एग्जाम्पल यू नो अ लॉट ऑफ किड्स दे लुक अप टू दिज क्रिकेटर्स लुक अप टू दिज क्रिकेटर्स मीन्स दे एडमायर देम दे रियली लव देम देयर वर्क देयर स्टाइल देयर पर्सनैलिटी सो इसको बोलते हैं एडमायर करना

नेक्स्ट वन इज वी हैव नो राइट टू लुक डाउन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स मतलब जो लोग छोटे काम करते हैं हम उनको इन्फीरियर नहीं मान सकते हम उनको एकदम क्या इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है हम ये नहीं सोच सकते तो वॉट इज द वर्ड लुक डाउन ओके इसका मीनिंग क्या था लुक डाउन का मतलब डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इन्फीरियर इन्फीरियर मतलब कि किसी की रैंक कम है किसी की वैल्यू कम कर देना सो वी शुड नॉट डू दैट नेक्स्ट वन नितिन हैज ऑलवेज अप अप हिज अंकल हु इज अ सेल्फ मेड मैन लुक टू मतलब क्या होता है किसी को एडमायर करना ओके okay, तो वो हमेशा अपने अंकल को एडमायर करता है जो कि एक सेल्फ मेड मैन है सेल्फ मेड मैन का मतलब क्या होता है जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया बिगनिंग से स्टार्ट किया और अपने आप को एक बड़ी अच्छी सी पोजीशन पे जाके पहुंचा दिया नेक्स्ट वन इज द पुलिस आर लुकिंग इन टू द मैटर थरोली लुकिंग इन टू का मतलब क्या होता है इन्वेस्टिगेट करना राइट सो पुलिस जो है वो पूरे मैटर में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है दे आर लुकिंग इन टू द मैटर इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर यू मतलब इफ़ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर योर चिल्ड्रन मतलब आई विल टेक केयर ऑफ योर चिल्ड्रन आई प्रोमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर वेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट आई प्रोमिस टू लुक इन ऑन यूर बदर लुक इन का मतलब क्या होता है टू पे अट वि मुलाकात करना लुक आउट वेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड लुक आउट मतलब बी केयरफुल जब आप मेन रोड क्रॉस कर रहे हो देन यू शुड बी केयरफुलिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड यू अंडरस्टेंड द मीनिंग ऑफ ऑल द फ्रेजेस ट्राई टू यूज देम उससे क्या होगा हमारी जो इंग्लिश है उसका भी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगा रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली नाउ व्हाट इज दिस दिस इज कॉट एंड दिस इज कोट कॉस्ट कोस्ट टोस्ट टोस्ट गोट गोट रोट रोट ब्लॉट ब्लोट नोट एंड नोट यू ओनली हैड टू रीड वाई डिड यू वॉन्ट टू रीड इट बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड दैट दो वो जो वर्ड है उसमें सिर्फ एक ही मीन एक ही लेटर का डिफरेंस है लेकिन उसका साउंड कितना चेंज हो जाता है ओके सो कॉट कोट कॉस्ट कोस्ट टोस्ट टोस्ट गोट गोट ना दिस इज गॉट ओ का साउंड आता है उसमें साउंड आता हैोट ब्लॉट ब्लोट नोट एंड नोट नाउ लेंग साउंड शाइन शाइन में श का साउंड कैसा है श शाइन इन द बिगिनिंग और इन द मिडिल और एट द एंड फर्स्ट स्पीक आउट ऑल द वर्ड क्लियरली

श्रीक, एश पुशिंक माश शोर, श्योर पॉलिश फैशन फिश नेशन एंड मुस्टैश सो वर्ड्स अलग हैं हर जगह एस एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं है जैसे यहाँ पे एक्स आई ओ है एंड शियस लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है श जैसे सिमिलरली यहाँ पे टी आई ओवन है और वो हमेशा शन होता है राइट right? अब हमें इसे कैसे अरेंज करना है फर्स्ट लुक एट दिस नाउ वॉट इज द क्वेश्चन लेट सी अब हमें इन्हें कैसे अरेंज करना है कि इनिशियली एस एच किस में आ रहा था एस एच का साउंड बीच में कहाँ आ रहा था और एस एच का साउंड लास्ट में कहाँ so, आ रहा था सो दिस इज द आंसर दंसर सी इनिशियली आ रहा था शीप में श्रीख श्योर श्योर एंड श्यू बीच में कहाँ कहाँ आ रहा है फैशन Anxious, ashes, nation, pushing, and mustache. And finally, kaha pe hai, matlab last mein, trash, marsh, fish, and polish. Easy? Easy busy. Let's go to the next question. In each of the following words, now this CH represents the same consonant sound as in chair. Okay, ch. The sound is ch. the words on the left have this sound initially those on the right have it finally speak each word clearly इसमें हमें सिर्फ सुनना है यहां पे क्या है Choose। यहां पे सब initially आ रहे हैं Child, cheese, chair and charming। ये जो साउंड है च का ये इनिशियली आ रहा है अब यहाँ पे यही लास्ट में आ रहा है बेंच माच पीच वॉच एंड रिसर्च राइट अब हमको यहां पर क्या करना है अंडरलाइन द लेटर्स रिप्रेजेंटिंग दिस साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स अब ये जो च का साउंड है ये इन लेटर्स में इन वर्ड्स में कहां पर आ रहा है दिस इज वॉट वी हैव टू आइडेंटिफाई फीचर वॉट इज द फर्स्ट वर्ड फीचर चर च का साउंड यहां पर आ रहा है आर्चरी आर्चरी पिक्चर चर रिचिंग ने so, अब ये वर्ड्स देखो अगर तो हर जगह सी एच नहीं लिखा है यहाँ पे टी यू लिखा है यहाँ पे भी टी यू लिखा है ये भी टी यू है यहाँ टी सी एच लिखा हुआ है सो so, च का साउंड आपको टी यू से भी मिलता है so now we have to only arrange them and like we have to only read read them and understand ki wo kahan kahan pe aa raha and we are done with that speaking we are into the next section now do you think mr Gesler was a failure as a bootmaker or as a competitive businessman a bootmaker or businessman ठीक है आप अपना काम करते हो और आप अपने काम को market करते हो ये दो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं So, yes, he was an amazing bootmaker. As a bootmaker, was he a failure? No, he was not a failure at all. But as a marketer, as an advertiser, was he a failure? Yes, he was a failure because he never advertised his work. So, let's see the answer. Mr. Gessler. वॉज एन अमेजिंग बूट मेकर हिज कस्टमर्स व हाईली सैटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ बूट ही मेड सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या वो एज अ बूट मेकर एक फेलियर है तो आंसर इज नो ही इज नॉट अ फेलियर एज अ बूट मेकर ही वॉज नॉट अ फेलियर एज अ बूट मेकर ही मेड अमेजिंग बूट्स और उनके जितने भी जो कस्टमर्स थे दे व हाईली सेटिसफाइड बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन उस सेंस में अगर हम बात करते हैं He was a failure as a competitive businessman. He did not have much money to spend on the advertisements. Whatever he earned went in the raw materials and rent. अब उन्होंने एडवरटाइज नहीं किया एक तो कभी और क्यों नहीं किया उसका भी एक रीजन था क्योंकि इनके पास जितना अमाउंट था वो अमाउंट था या तो वो रेंट में चला जाता था या तो वो लेदर खरीदने में चला जाता था तो एडवरटाइजमेंट के लिए भी यू नीड अ लॉट ऑफ मनी राइट So he was a failure as a competitive businessman he did not spend a lot of money on advertisements why because jitna bhi wo earn te the ya to raw material jata tha ya to rent jata are you clear with this answer i hope yes let's move on to the next question what is the significance of the title to whom or to what does it refer ये जो सिग्निफिकेंस है हमारा टाइटल क्या है इस चैप्टर का क्वालिटी सो so, ये जो चैप्टर है क्वालिटी इसके टाइटल का सिग्निफिकेंस इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किसके लिए है द टाइटल क्वालिटी रिफर्स टू द ग्रेट क्वालिटी ऑफ बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर ये चैप्टर का सिग्निफिकेंस क्या है इसमें जो वर्ड है क्वालिटी हम यहाँ बात कर रहे हैं मिस्टर गैसलर ने जो अमेजिंग बूट्स बनाए हैं उनकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं

वो एक परफेक्शनिस्ट थे मतलब उन्हें हर काम जो वो कर रहे हैं हर एक शू जो वो बना रहे हैं उन्हें उसमें परफेक्शन चाहिए था एंड वो क्वालिटी में बिलीव करते थे ही वॉज लूजिंग बिजनेस बट स्टिल नेवो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द बूट ही मेड अब उनके पास बिजनेस कम था उनके पास पैसा भी नहीं था तो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि एक लो क्वालिटी का लेदर ख़रीद लिया उन्होंने हमेशा बेस्ट क्वालिटी का लेदर ख़रीदा राइट quality is not much a concern for the big firms like in. so firms, tha, unke liye quality was not a concern. they wanted quantity and they wanted customers. they rely on their advertisements for lurking customers. matlab, your customers ko uh, attract. kani, kani, unhone sirf kis cheez pe focus kiya Advertisements pe. cool. so this was the significance of the title quality. i hope you understood it. क्शन नोटिस द वे मिस्टर गैसला स्पीक्स इंग्लिश हिज इंग्लिश इज इंफ्लुंस बाय हिज मदर टंग ही स्पीक्स इंग्लिश विद इन एक्सेंट अब वो जर्मन है राइट तो वो जो जर्मन में जो एक्सेंट होता है उस तरीके से इंग्लिश बोलते थे

मिस्टर गेस्लर कैसे बोलेंगे वैसे बोलना है सो मिस्टर गेस्लर वुड हैव सेट द अबव स्टेटमेंट लाइक हाउ इट गोम्स एंड नेवर स्टॉप्स डज इट बॉदर मी नॉट ऑल। आज माई ब्रदर ब्लीज राइट और भी अगर कोई सेंटेंस ट्राई करना है तो यू कैन ऑलवेज ट्राई नाउ स्पीक टू फाइव अडर्ट इन योर नेबरहुड Ask them the following questions कोई भी language में, whatever language you are comfortable with, then come back and share your findings with the class. Do they buy their provisions packed in plastic packets at a big store or loose from a smaller store? तो basically question क्या है कि जब वो कोई भी सामान खरीदते हैं, so वो एक बड़े से shop में जाके एकदम packed सामान लेके आते हैं या कोई छोटी सी shop में जाके loose सामान लेके आ जाते हैं? So what is the answer? नाउ इट इज ऑन यू आप अपने अगल बगल में लोगों के साथ जाके बात करोगे बड़ों से पूछोगे तो हो सकता है आप बोलो पैक्ड डांसर्स मतलब पैक्ड सामान लेके आते थे या आप बोलो लूज सामान लेके आते थे वेयर डू दे बाय दे फुटवेयर डू दे बाय ब्रांडेड फुटवेयर और फुटवेयर मेड लोकली वॉट रीजन्स डू दे हैव फॉर देअ प्रेफरेंस अब सेकेंड क्वेश्चन आपको उनसे क्या करना है कि वो अपना फुटवेयर कहाँ से लेते हैं क्या वो ब्रांडेड सामान जो होता है मॉल से जाके लेके आ जाते हैं या वो प्रॉपर लोगों को जो हमारे जो मोची होते हैं उनको बनाने के लिए देते हैं शू मेकर्स जो होते हैं नाउ अगेन प्लीज राइट द आंसर डेट यू गेट वट आंसर आई हैव गॉट दे बाय फुटवेयर मेड लोकली दे प्रिफर द लोकलडेड एंड देगुलर फूडवेयर सो यहाँ पे वो क्या करते हैं दे डोंट गेट इट हैंडमेड ऑन एनीथिंग जो लोकल शॉप्स होते हैं जो बड़ी सस्ती शॉप होते हैं वो वहां जाके ले लेते हैं अब आप जब बात करेंगे हो सकता है दे वुड गो टू द मॉल्स और दे वुड गेट इट हैंडमेड डू दे बाय रेडीमेड क्लोथ्स और बाय क्लोथ एंड गेट देअर क्लोथ स्टिश बाय अ टेलर विच डू दे थिंक इज बेटर अब थर्ड क्वेश्चन आपको ये करना है कि आप जो कपड़े सिलवाते हो आप रेडीमेड शर्ट खरीद लेते हो या आप कपड़ा लेके उसको स्टिच करने के लिए डालते हो अब जो भी आंसर मिले वेलकम दे बाय बोथ अब यहाँ आंसर जो मुझे मिला है कि वो रेडीमेड भी लेते हैं और वो सिलवाते भी हैं एंड इफ दे वॉन्ट एनी कस्टमाइज टैन दे प्रिफर द वन देट इज़ टिश बाई टेलर अगर उनको स्पेशली कुछ अलग सिलवाना है तो वो उसको कस्टमाइज करवाते हैं और टेलर के पास दे देते हैं नाउ एन सी ई आर टी स्पीकिंग लुक एट द पिक्चर आई हैव डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज हैव यू

वन स्टूडेंट रिपीट अजीत स्टेटमेंट द अदर गिवस अ रीजन फॉर नॉट अग्रीग विद अजीत द सेंटेंस ओपनिंग गिविन बिलो शुड बी यूज सो अब यहाँ पे आपको आपस में ही एक कॉन्वर्सेशन करना है सो इफ आई लीव दिस कंट्री आई विल मिस सो नाओ इफ देर आर सम थिंग्स विच यू कैन गेट ओनली हेयर फॉर एग्जाम्पल सो बेसिकली Suppose you have to start with a G statement that I am leaving this country, and now you have to give a contradict statement that I don't want to leave this country because if I leave, I'll miss what, what, what. So this is what you have to do. Let's quickly look at the answers. So now let's look at the answers. I have decided to go abroad for higher studies. Have you? I don't think I'll ever do that. I love my country. नाओ यू हैव टू टॉक हमने क्या देखा था क्वेश्चन में कि आपको स्टार्टिंग का दिया है एंड यू हैव टू कंटिन्यू विथ योर रिमार्क्स आई इफ आई लीव दिस कंट्री आई मिस ना वॉट आर यू मिस माई फ्रेंड्स विद होम आई हैव प्लेड एंड स्पेंड सो मच टाइम नाउ हियर दिस इज वॉट आई हैव रिटन यू कैन ऑल्सो से आई मिस द प्लेस आई मिस माई फैमिली आई मिस माई फ्रेंड्स और आई मिस द बेसिक असेंस ऑफ बींग इन माई ओन कंट्री There are some things which you can get only here, for example. Now, what are the things that you can get only in your own country? Maybe the food, maybe the aura of being in your country and your family, friends, snacks that are particularly prepared here are traditions, festivals, etc. There are some special days I'll miss particularly. Like, Vokut special days do you miss? Festivals like Holi, Diwali etc. Most of all I'll miss my younger brother because we spent almost the entire day together. Now most of all abes are the kiamis if you leave this country. so if there is something else on your mind, please feel free to uh, write that. I think it's impossible for me to leave my country because why is it impossible? Now the answer that I have given, because I can't go away from my family and friends, and I can't go so far from them. See, switching cities is different, but switching a country is a big thing. How can you leave your own country except when there is truly no way that you can stay here? country, option depends on one's intention. I can't leave for good because. आई कॉन्ट इवन वंडर हाउ विल आई सर्वाइव सो फाव फ्राम माई क्लोज वंस मतलब मैं ये सोच भी नहीं सकती कि मैं वहाँ जाऊँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ आई विल सर्वाइव विदाउट बींग अराउंड माई लव्ड वंस मतलब मैं अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स अपने जो जो लोग मेरे से इतने करीब हैं उन्हें छोड़ के मैं जा ही नहीं सकती मे बी फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स आई कैन स्टे दिस फाव फ्राम होम हो सकता है अगर मुझे एक साल दो साल किसी प्रोजेक्ट के लिए जाना हो मे बी बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर जाना हो देन आई कैन गो नाउ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट अ स्टोरी सो लास्ट क्वेश्चन व्हाट डू वी हैव की आपके पास ये पॉइंट्स दिए हुए हैं दैट योर आंट हैज गॉन टू हर मदर्स हाउस योर अंकल डज हिज कुकिंग ही इज एबसेंट माइंडेड ही पुट्स वेजिटेबल्स ऑन द स्टव ही बिगिनस टू क्लीन हिज बाइसिकल आउटसाइड नाउ क्या क्या पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट कि आपकी जो आंट है मौसी चाची वड़े वो अपनी मम्मा के घर गई हूँ बेसिकली वो मायके के गई हुई हैं और आपके अंकल जो है उनको पूरी कुकिंग करनी पड़ती है एंड ही इज एब्सेंट माइंडेड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एबसेंट माइंडेड मतलब जो खो जाते हैं काम करते करते कहीं और चले जाते हैं खो जाते हैं भूल जाते हैं दैट इज एबसेंट माइंडेड ही पुट्स वेजिटेबल्स ऑन द स्टव अब वो कुछ खाना बना रहे हैं जिसके लिए उन्होंने गैस पे कुछ सब्जियां चढ़ाई हैं ही बिगिन टू क्लीन हिस्स बाइसिकल आउट साइड और वो बाहर जाके अपनी बाइसिकल साफ करने लग जाते हैं साइकिल साफ करने लग जाते हैं सो नाउ यू हैव टू प्रिपेयर और राइट अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ दिज क्ल्यूज बीन गिवेन हियर नाउ लेट सी हाउ ड स्टोरी कम आउट अच्छा ओके देर इज देर आर मोर क्यूज आई एम सॉरी द नेबर्स कॉल आउट सेंग सम इज बर्निंग सो अब सब्जी जो चढ़ाई है सो तो बाहर से नेबर्स बोलते हैं अरे कुछ जल रहा है योर अंकल रशेज टू द किचन अंकल जो है भाग के किचन में जाते हैं टू तो सेव वेजिटेबल्स ही पुट सम ऑयल ऑन देम और वो क्या करते हैं उनको लगता है अरे ये सब्जी तो जल्द ही इसमें क्या करूँ इसको बचाने के लिए एंड ही इज नॉट ग्रेटेड कुकिंग तो उसमें वो उसको बचाने के लिए उसमें ऑयल डाल देते हैं अनफॉर्चुनेटली इट्स मशीन ऑयल नॉट कुकिंग ऑयल अब वो अपनी का मशीन uh, जो अपनी वाइसिकल है उसको साफ कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया सब्जियों में कुकिंग ऑयल डालने की जगह मशीन ऑयल डाल दिया वॉट डू यू थिंक थिंस टू द वेजिटेबल्स तो नाउ यू हैव टू राइट अ स्टोरी ओके यू हैव गॉट ऑल द ऑल्यूज कि अब बताओ वो जो सब्जी बनी है उनका क्या होगा जिनमें कुकिंग ऑयल तो नहीं है उनमें क्लीनिंग ऑयल है मशीन ऑयल है जो कि आप मशीन्स uh, में डालते हो सो दैट दे कैन रन स्मूथ

सो लास्ट ईयर जब मेरी आंट जो थी अपनी मम्मा के घर गई तो माए अंकल ही अलोन तो वो अपने लिए खाना बनाते थे ही अ लिटिल माइंडेड वो कैसे थे वो थोड़े एबसेंट माइंडेड थे वंस इट्स सो हैपेंड दैट ही पुट वेजिटेबल्स ऑन द स्टोव एंड वेंट आउटसाइड टू क्लीन हिज बाइसिकल एक बार क्या हुआ कि उन्होंने सब्जियाँ चढ़ाई गैस पे और अपनी बाइसिकल क्लीन करने बाहर चले गए आफ्टर सम टाइम द नेबर कॉल्ड हेम आउट सेंग डेट समथिंग वॉज बर्निंग थोड़ी देर बाद पड़ोसिया उन्होंने क्या बताया कि अरे कुछ जल रहा है अंकल रश्ड इन साइड मतलब वो भाग के अंदर गए टू तो सेव द वेजिटेबल्स ही पुट सम ऑयल ऑन देम और वेजिटेबल्स को जलने से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया unfortunately it was machine oil and not cooking oil but kya hua wo machine oil tha wo cooking oil nahi the vegetables were not fit to be eaten now uncle had to throw it all away lekin up machine oil wala khana to hum nahin, to uncle had to throw it all away now actually you could make it much more interesting kaise you could have said that uncle did not realize that he did that and uh, as soon as he sat for his लंच और डिनर वॉट एवर इट वॉज एंड ही पुट इट इन हिस्स माउथ इट हैड अ फाउल्स स्मेल एंड ही हैड टू थ्रो एवरी थिंग स्पिट एवरीथिंग आउट एंड देन यू नो हिस एंड अराइव ही इट एंड मेड ही मेड फन ऑफ हेम और एनी थिंग सो अब अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से जितना इस स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हो बना देना and now here we are done with our chapter we are done with the question answers and i hope you understood the chapter well guys please remember this thing that if you got any doubts so you have to comment in the you know comment section so that i can clear your doubts in the next video so वी आर डन विद अ क्वालिटी चैप्टर मेक श्योर यू स्टडी वेल एंड स्टडी कैसा ये वाली स्टडी मत करना कि दो घंटे बैठे हैं और क्वालिटी स्टडिंग कितनी थी सिर्फ आधे घंटे की बाकी टाइम वी वर डे ड्रीमिंग एबसेंट माइंडेड सो क्वालिटी वाली पढ़ाई करना मतलब अगर दो घंटे रहे हो तो दो घंटे एकदम लगातार बहुत ही लगन के साथ बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना एंड आई कैन ऑट यू दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जाम्स ओके सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़ Stay connected, stay tuned. Thank you. Bye bye.